नमस्कार दोस्तों, मैं स्मृति श्रीवास्तव वन इंडिया में आपका स्वागत करती हूं। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाले चौथे टेस्ट के लिए भारतीय टीम अहमदाबाद पहुंच गई है। दोनों टीमों के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से यहां के सरदार पटेल मोटेरा स्टेडियम में खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैच की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में खेला जाना है। दर्शकों के बैठने की कैपेसिटी के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत इंग्लैंड के बीच यहां पहला इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा। तीसरे टेस्ट के लिए दोनों टीमें अहमदाबाद पहुंच चुकी हैं। बता दें, अहमदाबाद पहुंचने के बाद भारतीय ऑफ स्पिनर आर अश्विन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के साथ डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अश्विन हार्दिक पांड्या और कुलदीप यादव के साथ वाटी कमिंग सॉन्ग पर ठुमके लगाते हुए नजर आ रहे हैं। अश्विन का ये वीडियो सोशल मीडिया पे काफ़ी तेजी से वायरल हो रहा है। फैंस इस वीडियो को खूब पसंद कर रहे हैं और पोस्ट पर जमकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। आपको बता दें, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में शानदार ऑलराउंडर परफॉर्मेंस कर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतने वाले भारतीय स्पिनर आर अश्विन को टेस्ट ऑलराउंडर रैंकिंग में फायदा मिला है। आईसीसी के द्वारा जारी ताजा ऑलराउंडर टेस्ट रैंकिंग में अश्विन नंबर 5 पर पहुंच गए हैं। बता दें, भारत और इंग्लैंड के बीच चार मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला डे नाइट टेस्ट के रूप में पिंक बॉल से अहमदाबाद के मोटेरा स्टेडियम में 24 फरवरी से खेला जाएगा। फिलहाल चार मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 से बराबर है। शुरुआती दो टेस्ट चेन्नई में खेले गए थे। पहला मैच इंग्लैंड ने 227 रन तो दूसरा टेस्ट मेजबान भारत ने 317 रन के रिकॉर्ड अंतर से जीता था। ये टीम इंडिया की रनों के लिहाज से इंग्लैंड पर सबसे बड़ी जीत थी। उल्लेखनीय है कि बीसीसीआई ने बीते बुधवार को इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी दो टेस्ट मैचों के लिए 17 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी। टीम में कोई खास बदलाव नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।